एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज मैं एक आसान नाश्ता लेके आई हूँ जो कि आप चाय पे खा सकते हो और वैसे भी आप फैमिली के साथ खा सकते हो। तो चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ और एंड तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि मैं इसके साथ चटनी भी बनाना बताऊंगी कि चटनी कैसे बनानी है और इसके साथ कौन सी चटनी अच्छी लगेगी। यहाँ मैंने तीन कांदा लिए हैं और दो आलू लिए हैं। तो इसको हम अच्छे से काट के धो लेंगे तो ये क्या इसमें जो कचरा रहेगा वो सब निकल जाएगा अच्छे से। तो चलिए मैं काट के आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने आलू भी पतला पतला काट लिया है और कांदा भी लंबे लंबे में और उसको हाथ से मैश कर लिया और मिर्ची और कोतम्बीर काट लिया है। मैंने एक बाउल ली है उसके अंदर अभी हम जो काटा है अभी कांदा भजी बनाना तो कांदा डालना है उसके अंदर जितना है सब और उसके बाद उसमें जो मिर्ची काटी है आपने वो डालनी है और धनिया डालना है। तो धनिया से क्या स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाता है। फिर इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे जैसे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर जो मिक्स रहता है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कोई मिर्ची पाउडर भी डालता है लेकिन मैंने मिर्ची काट के डाली है। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है, हल्दी डाल देना है और इसको थोड़ा है ना मैश अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है क्या ये पूरा नमक और मसाले कांदे में अच्छे से चले जाए। और उसके बाद ये करने के बाद इसमें हम बेसन डाल देंगे। अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से आप डालिए कितना आपको बेसन चाहिए। तो आप है ना इसको चम्मच से नहीं मिक्स करके हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसको हम 5 to 10 minutes रेस्ट के लिए रख देंगे कि बेसन पूरा अच्छे से गल जाए। फिर हम आलू के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर के लिए मैंने एक पतीला लिया है तो पतीले में हम ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालेंगे, खाली हल्दी डालेंगे एक टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे वो जो मिक्स करने वाला आता है उससे। और इसमें गुठली नहीं रहने देना है और ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है और जो थोड़ा बहुत गुठली रहेगा वो आप रेस्ट के लिए रख दीजिए तो वो जो रहेगा वो भी गल जाएगा। तो मैंने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम रिफाइन ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल नहीं डालेंगे। तो देखिए मैंने रिफाइन ऑयल डाल दिया है और ये तेल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। तो इसमें अभी हम पहले कांदा भजी निकालेंगे। तो चलिए हम कांदा भजी का बैटर एक बार हाथ से मिक्स करके फिर हम कांदा डाल देते हैं। तो आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा बना सकते हो, तो मैं तो छोटा छोटा बनाती हूँ। तो देखिए मैंने सब डाल दिया है बनाने के लिए। तो इसको हल्का रेड होने तक फ्राई करना है, जलाना नहीं है, वो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। तो इसको अब हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम आलू का बनाएंगे भजिया। तो आलू के लिए हम एक एक आलू लेके वो बैटर में डाल के फिर हम उसको फ्राई करेंगे। तो इसको भी हम फ्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हो गया, क्योंकि जो बेसन रहता है वो आप तेल में डालने के बाद ना थोड़ी देर के बाद वो बेसन फूल जाता है। तो फूलने के बाद वो थोड़ा है ना उसका कलर चेंज होने लगेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये हो गया है। तो इसको भी हम थोड़ा मिक्स करके तेल में अच्छे से ऊपर नीचे पका के हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और भजिया के साथ मिर्ची नहीं रहे तो स्वाद तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो उसके लिए भी मैंने मिर्ची में चीरा लगा के फिर मैंने इसको भी फ्राई कर लिया गरम तेल में और इसको अलग वाटी में निकाल के उसमें नमक मिक्स कर लिया है स्वाद के लिए। तो इसको मिक्स करके आप अलग बर्तन में निकाल दीजिए। तो देखिए मैंने आपको प्लेट में निकाल के बताया है तो कैसा लगा बताना। और मैंने चटनी के लिए इधर दो टमाटर लिए हैं, बड़े बड़े काट लिए हैं, दो लहसुन लिया है, धनिया लिया है, तीन मिर्ची ली है। इसको मैं मिक्सी में डाल दी है सब एक साथ और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देना है आपके आप जितना क्वांटिटी में खाते हो। फिर इसको हमको पीस लेना है, पूरा बारीक कर लेना है, इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है क्योंकि टमाटर खुद ही पानी छोड़ता है। तो देखिए चटनी भी तैयार है और इसको हम भजिया के साथ खा सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगती है। और आप भी ऐसा ही चटनी एक ट्राई कीजिए और मुझे बताना। और ये सब भजिया आप उसके साथ खाइए, मिर्ची भी है, तो इंजॉय कीजिए। तो चलिए आपको मेरी पूरी वीडियो कैसी लगी
तो मुझे ज़रूर बताना और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।